बाल केंद्रित शिक्षा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी। मैं हूं शशिकांत राय। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे पहले हम बालक को समझने का प्रयास करेंगे। अगर शिक्षक बालक को समझ लेता है तो वह उसके अनुरूप जो है उसके विकास कार्य को आगे बढ़ा सकता है। तो आइए पहले बालक को समझते हैं। बाल मनोविज्ञान में बालक की स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की गई है। बालक विकासशील प्राणी है। बालक एक पृथक इकाई है। शिक्षक और इसकी क्रियाओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना व समझना चाहिए। बालक अपने विकास के तत्व उसी वातावरण से ग्रहण करता है। मनुष्य में सीखने का गुण सबसे अधिक प्रबल होता है। बालक में विकास के लिए निम्न प्रवृत्तियों का होना आवश्यक है। उत्सुकता, उपार्जन, द्वंद्व की प्रवृत्ति, रचनात्मकता, आत्मप्रदर्शन, विनय, अनुवृत्ति अभ्यास, स्पर्धा या प्रतियोगिता, निर्देश, सहानुभूति। बाल विकास में शिक्षकों का मार्गदर्शन। बाल विकास में शिक्षकों के मार्गदर्शन को हम नियमों के तहत समझ सकते हैं जो कि नीचे दिए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम बालक की आवश्यकता व क्षमता पर आधारित होना चाहिए। बालक को करके सीखने पर बल दें। बालक को खेल द्वारा शिक्षा पर बल दें। शिक्षक को सलाहकार, मार्गदर्शक व अनुकरण योग्य बनना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ें। बालकों को पर्याप्त स्वतंत्रता दें। बालकों की जिज्ञासा को बढ़ाएं। बालकों को पर्यटन पर ले जाएं। बालकों को खेल खेल में भाषा में व्याकरण का ज्ञान दें। ग्लोब द्वारा भूगोल और इतिहास की शिक्षा कहानी द्वारा दें। बालक को सिखाने में अभिनय का प्रयोग करें। बच्चों के अधिगम क्रियाओं की प्रशंसा व सृजन को प्रोत्साहित करें। बालकों को आदर व सम्मान दें तथा निडर बनाएं। बालकों को कहानी, गीत और समूह गान सिखाएं। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम में निम्नांकित विशेषताएं होनी चाहिए। पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। छात्रों की रुचि अनुसार हो। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। जीवन प्रयोगों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक में राष्ट्रीय भावना का विकास करे। सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। बालक के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। और पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है व्यक्तिगत विविधताओं का ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा शीर्षक के अंतर्गत हम विभिन्न बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का जो प्रकार और रूप बताया गया है उसके बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा बताए गए उनके विचार एक संक्षिप्त रूप में। रूसो। रूसो एक फ्रांसीसी बाल मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में प्रथम बार बाल शिक्षा का आदर्श दिया। इसमें प्रकृति की ओर लौटने का नारा दिया। इनके अनुसार बालक को आवश्यकता अनुकूल शिक्षा पाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने स्वाभाविक विकास के सिद्धांत पर बल दिया है। फ्रोवेल। फ्रोवेल ने बालक के चेतना तत्व को दैवी तत्व बताया है। इन्होंने आत्मप्रेरणा व स्वतः क्रिया को महत्व दिया है। जान डीवी। जान डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की है। इन्होंने बालक को पर्याप्त अवसर, व्यक्तिगत आकांक्षाओं की तृप्ति, सुरुचि अनुकूल विकास को ज़्यादा महत्व दिया। इनके अनुसार रुचि व प्रयास तत्व महत्वपूर्ण हैं। जान डीवी ने शिक्षक को समाज में ईश्वर की संज्ञा दी है। मैडम मॉन्टेसरी। मैडम मॉन्टेसरी ने बालक को यथासंभव पूर्ण स्वतंत्रता देने पर बल दिया है। किंडरगार्टन। किंडरगार्टन विधि में बालक को बगीचा में खेल के द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है। इसे बगीचा शिक्षण विधि भी कहते हैं। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।